रिजवान भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने ऑल इंडिया उठाया माशाल्लाह 2024, तो ये किन कारीगरों की डोरें आपने लड़ाई? हमने जो डोर लड़ाई वो लड़ाई निसार की। अच्छा, निसार रिजवान की। अच्छा, और आजम की और जिन बादशाह, ये तीनों तीन कारीगर लड़ाई। इसके अलावा निसार की, जिन बादशाह और आजम। आजम देखिए, ये डोरे लड़ाई लड़ी हैं फाइनल में, पूरे टूर्नामेंट में हम लोग की ये डोरे लड़ी हैं, और जिन्होंने शुरू से लेके आखिरी तक, और जिन सबसे ज्यादा जो डोर लड़ी है वो निसार की। निसार की डोर लड़ी है बहुत, जिन बादशाह की और आजम की भी लड़ी है, सबकी लड़ी, मगर सबसे ज्यादा डोर जो लड़ी है जी, एक चरखी जो थी वो निसार की लड़ी है, जो कट नहीं रही थी डोर। बहुत बढ़िया, देखिए निसार की डोर, हमारे निसार भाई ने बहुत अच्छी डोर। और एक मेरा छोटा भाई है मुरादाबाद में, इमरान कदीरी जी, उसकी पतंगों से पूरा टूर्नामेंट हम लोगों ने जीता। बहुत बढ़िया पतंग, इमरान कदीरी की बात करें, पतंगों से पूरा मैं पूरा टूर्नामेंट, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन से जहां मैं बहुत हंसे हुए थे जी, और दानिश की, मुरादाबाद का दानिश, उसकी पतंगे और समी की पतंगे थी, और गुड्डू भाई हमारे लखनऊ के जी, जो मैंने ऑल ऑल का पेज काटा है वो गुड्डू भाई की पतंग से काटा, और भी जो मेरे पास पहले की उनकी पतंगे रखी थी उससे मैंने पेज काटे हैं जी, जी उनकी पतंगों का भी कोई जवाब नहीं जी, जी जो गुड्डू हमें है, गुड्डू यासीन गुड्डू जी जी, उनकी पतंगों से पेज काटे हम लोगों ने। देखिए डोर जो इन लोगों ने आजम ने निसार ने दे दी उसका कोई जवाब नहीं, और बादशाह मेरा उसकी डोर ऐसी थी, सैफ ने मोनू ने शेर की दहाड़ जी, उन्होंने पूरा टूर्नामेंट में उसके अलावा कोई डोरी नहीं मारी। ये देखिए, और सबसे ज्यादा पेच काटे हैं देखिए, और बेहतरीन डोरे लड़ी हैं जो हमारे कारीगरों के नाम बताए रिजवान भाई ने, बहुत बढ़िया डोर बनाई और बहुत बढ़िया डोर लड़ी, जिससे हम लोगों ने ये ऑल इंडिया उठाया है 2024 का। भाई हमारे लोकल में 24 पे जिन बादशाह की डोर से काटे, जो लोकल टूर्नामेंट मजार पे हो रहा था, भी नहीं कटे थे 24 काटे थे। देखिए हमारे निसार भाई ने भी शेर की दहाड़ डोर लड़ाई जिन बादशाह की, और 24 पेज काटे थे एक ही पतंग से, और ये देखिए हमारे, ये देखिए हुसैन मियां ने तैयार करके दी थी पतंग, उनको भी हार पहनाया गया। ये देखिए वसीम कोच, देखिए हमारे हुसैन मियां भाई भी ऑल इंडिया चैंपियन, ये तीनों ऑल इंडिया चैंपियन खड़े हैं। ये देखिए, ये 2006 के अब कंप्लीट हुई है जी, अनकम्प्लीट, ये तीनों तिगड़ी, ये तीनों देखिए अब कंप्लीट हुए हैं, ये तीनों दोस्त हैं जी। 2006 में आपने ऑल इंडिया उठाया था, देखिए 2006 के ऑल इंडिया विनर रह चुके हैं मोहित भाई और हुसैन मियां भाई और मजर भाई, अंसार भाई भी। ये देखिए, और ये देखिए 6 ऑल इंडिया उठाए हैं, आधा दर्जन। ये देखिए दर्जनों के हिसाब से ऑल इंडिया उठाया है हमारे उस्ताद ने, जो इंटरनेशनल क्लब ने जी दूसरा ऑल इंडिया जीता है जी, पहला ऑल इंडिया भाई राजा भाई अग्रिम भाई लड़ा रहे थे जी, गुजामिन भाई जी, ये टूर्नामेंट कानपुर से चंडारी ग्राउंड में हुआ था जी, 94 से भी पहले, जिस टाइम इंटरनेशनल क्लब में लड़ाते नहीं थे उस टाइम की बात है। अच्छा, तो उसके बाद हमने जो जीते थे 6 ऑल इंडिया लाइट से जीते थे जी जी, अब जो उसके बाद जो जीता है जी वो इंटरनेशनल ने ये वाला किया 2024 में। तो आप अपने ये यंग खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भाई ये अब मुकम्मल खिलाड़ी होगा, ऑल इंडिया प्लेयर होगा जी जी, तक तो ये प्लेयर थे जी, अब ये मुकम्मल खिलाड़ी होगा, इन्हीं ने ऑल इंडिया जीत लिया, अब ऑल इंडिया प्लेयर होगा जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑल इंडिया प्लेयर हो गए, ऑल इंडिया तमगा लग जाना, वो भी 128 टीमों के बीच, 128वीं टीम आई हमारी, 128वीं टीम हमारी विनर हुई है, बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया फाइनल भी जो हुआ है वो भी 8-8 ऑल इक्वल पे हुआ है जी जी, मतलब बराबरी का, घटे चल रहे थे, घटे स्कोर से बराबर आए वो जी, बराबर से एक बढ़त ली जी, बढ़त लेने के बाद लोगों ने काटा। सबसे तारीफ की बात है, मैं मैदान में नहीं रहा जी, मेरे बिना मैदान के सपोर्ट के जी एक भी दिन मैं नहीं गया, ना हमने कोई सपोर्ट किया, मेरी गैर मौजूदगी में जी, मेरी बगैर सपोर्ट के इन लोग ने अपनी मर्जी से ऑल इंडिया लड़ा के जीता, सबसे खुशी इस बात की जी जी जी।
तो ये कहीं ना कहीं आपका गुरु होना साबित हो गया है अपने चेलों पे, जो आपके इस वक्त शागिर्द हैं, इन्होंने कर दिखाया कि ये ऑल इंडिया भी लड़ा सकते हैं। जी जी जी, लड़ा के दिखा दिया, साबित कर दिया, साबित कर दिया इन लोगों ने। और देखिए हमारे उस्ताद वो भी 6 बार ऑल इंडिया रह चुके हैं, अब ये 7वां कब आ गया, 7वां ऑल इंडिया उठा लिया उस्ताद ने, ये देखिए। और हमारे बिलाल भाई कुछ कहना चाहेंगे? हमारी टीम ने शुरू से लेकर आखिर तक हर टीम ने फाइट की, आखिर में हमारी टीम ने फतेह हासिल की। जी जी, जिसमें सारे खिलाड़ियों ने लगातार अच्छी पटनबाजी की जी, और जीत हासिल की। जी जी, हमारा बार पूरे इंटरनेशनल। और देखिए हमारा कहीं ना कहीं सहयोग रहा है, बराबर से सहयोग रहा है हमारे बिलाल भाई का, दिलशाद भाई का, सभी लोगों का। आजम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टूर्नामेंट के लिए बहुत बढ़िया रिले की। जी जी, सार ने बहुत अच्छी दौड़ की, जिन बाकिया ने बहुत अच्छी। जी जी जी, ये तीनों लोगों ने हमारे खिलाड़ियों में लड़ाई। जी जी, आजम जी, ये देखिए तीन बहुत उमदा डोरे लड़ी हैं ये तीनों, पे हमने पूरा टूर्नामेंट जीता है। जी 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 जी, पूरे क्लब ने भेजी थी और डोर और हसीन गल्ला भाई ने और बशीर बेग ने भी भेजी थी जी, मगर वो बैठ थे मगर उनकी नौबत नहीं। जी जी, नौबत ही आई, उसी से काटते चले गए। जी जी, डोर बदली नहीं डोर, सपोर्ट सत्ता रहा, सबका सपोर्ट रहा। जी, जिसकी डोरे लड़ रही थी वही लड़ाते रहे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहा गया। देखिए ऑल इंडिया विनर टीम 2024 की इंटरनेशनल, ये देखिए।